डिस्क्लेमर, शिवचंगा का मालिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिजलाबाज भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं जितना सारा बेटा फिश का ब्रीडिंग करवाया था वो सब फ्राई का अपडेट दूंगा, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर फ्राई बड़ा हो गया है। तो उनको मैं क्या खाना दे रहा हूँ वो तो आप लोगों को दिखाया ही था। तो वो ब्राइन स्लिप में अभी भी फीडिंग कर रहा हूँ, अभी भी मैंने उन लोगों को डाफनिया फीडिंग के लिए लगाया नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पर डाफनिया मिल नहीं रहा है और इतना छोटा फ्राई को अगर डाफनिया दूंगा ना तो थोड़ा सा रिस्क है, तो इसीलिए थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूँ। बाकी वाइल्ड बेटा का भी कुछ मैंने ब्रीडिंग के लिए बैठाया है, तो वाइल्ड बेटा के ऊपर आगे वीडियो में सरप्राइज़ है। बाकी ब्राइन स्लिप किसी को और ख़रीदना है मेरे पास से मिल जाएगा, कितना प्राइस है वो तो आगे बताऊंगा। और घर के अंदर जो न्यू मकैंडी प्लैकेट का ब्रीडिंग किया था उसका भी प्राइस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका भी अपडेट थोड़ा सा आज की इस वीडियो में दूंगा। मेनली दोस्तों मैंने क्या सोचा था, हर महीने एक अपडेट दूंगा बेटा फिश का फ्राई के ऊपर, तो उसी के ऊपर अपडेट देने के लिए आज का ये वीडियो मेनली मैं बना रहा हूँ। तो कुछ फ्राई को मैं एक टैंक पे उठा के भी दिखाऊंगा, साइड भी उन लोगों का कैसा है। अभी इन लोगों का उम्र करीब करीब 40 दिन से लेकर 45 दिन के आसपास हुआ है, ठीक है, 45 डेज के आसपास इन लोगों का उम्र है। और बाकी जो छोटा छोटा फ्राई है न्यू मकैंडी ओईचम का वो भी आज दिखाऊंगा। टोटल मेरे पास अभी करीब करीब, मैंने काउंटिंग नहीं किया है, आप लोग लास्ट में वीडियो में बता देना कितना मेरे पास फ्राई है। फिर से मैंने दोस्तों कुछ FCCP को ब्रीडिंग के लिए बैठा दिया है, वो आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। उसके ऊपर एक सेपरेट ब्रीडिंग का सीरीज आएगा, मैं क्या खाना दे रहा हूँ वो भी उसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये वाला वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहो, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, बस 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। इसी तरीके का बेटा फिश रिलेटेड यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो सब लोग मछली पाल के पैसा इनकम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों और ना वक्त गवाते हुए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह दोस्तों इस वीडियो को भी एकदम शुरू से ही शुरुआत करते हैं। तो ये वाला वीडियो क्लिप जो देख रही हो, ये 28 मार्च 2024 का वीडियो है, मतलब 28 मार्च का। तो ये वाले वीडियो क्लिप में आप लोगों को जो सा फ्राई दिखा रहा हूँ, अभी इन लोगों का उम्र करीब करीब 7 दिन से लेकर 10 दिन के आसपास है। और मैंने दोस्तों उस टाइम पर वीडियो उठा लिया था, अभी भी वीडियो उठा रहा हूँ, आगे भी वीडियो उठाऊँगा, तो आप लोगों को पता चलेगा ये सब मछली एक दिन में कैसा दिखता था, 10 दिन में कैसा दिखता था, एक महीने में इन लोगों का अपडेट क्या था, और एकदम 3-4 महीने का उम्र में इन लोगों का क्या दिखता था। तो आप लोगों को आराम से पूरा पता चल जाएगा बेटा फिश कैसे ग्रो होता है, किस तरीके से उन लोगों का पूरा एकदम लाइफ साइकिल चलता है। फिलहाल यहाँ पर जो मछली आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे सभी मछलियों का अभी ब्राइन श्रिम्पी फीडिंग में मिल रहा है। और ये सब मछली को मैं पहले सिर्फ 2-3 दिन तक ब्राइन श्रिम्प खिला एक योग दिया था। एक योग मतलब पहले मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि 1-2 दिन का बेटा फ्राई ब्राइन श्रिम्प खाने के लायक बड़ा नहीं होता है, तो 3 दिन के बाद मैंने जो एक योग छोड़ के ब्राइन श्रिम्प देना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप लोगों को क्लियरली समझाऊँ तो पहले 3 दिन मैंने एक योग दिया था, उसके बाद पूरा ब्राइन श्रिम्प पे ही मैं खाना ही दे रहा हूँ, पूरा समझो 1 महीने तक, 30 दिन तक मैं इन लोगों को ब्राइन श्रिम्प दूंगा। सिर्फ स्टार्टिंग का 3 दिन मैं इन लोगों को एक योग दिया था, और स्टार्टिंग के 3 दिन से मेरा मतलब ये है कि बेटा फ्राई जब फ्रीली स्विम करना स्टार्ट कर देगा, इधर उधर खुद के मर्जी से घूमना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद उन लोगों को खाना देना चाहिए। जब अंडा हैच हुआ उसके बाद 2-3 दिन तक खाना नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ पर जो फ्राई आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो कितना सारा ब्राइन श्रिम्प मैंने देखे रखा है। मैंने किसी तरीके का कंजूसी नहीं किया है दोस्तों, अगर कंजूसी करता तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता, कुछ फ्राई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का हो जाता, कुछ फ्राई बहुत छोटा ही रह जाता, तो बड़ा वाला फ्राई छोटा वाला फ्राई को खाना स्टार्ट कर देता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे खाने के लिए कोई कंजूसी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा खाना यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों न्यू मकैंडी ओईचम का फ्राई है, और न्यू मकैंडी ओईचम का फ्राई छोटे उम्र में व्हाइट कलर का ही रहता है, जब ये बड़ा होता है धीरे धीरे इन लोगों के ऊपर ब्लू येलो रेड ये सब कलर के ऊपर जो शेड है वो धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद उन लोगों का जो स्टेज शुरू होता है उसको मोल्टिंग बोला जाता है, मोल्टिंग मतलब कलर चेंज होना, और 4-5 महीने के बाद इन लोगों का कलर जो है वो धीरे धीरे पार्मानेंटली आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो मछली देख रहे हो दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी दिखाया था व्हाइट ईयर सेंटा क्लॉस, तो ये दोस्तों एक करीब करीब 35 डेज से लेकर 40 डेज के पहले का वीडियो है,
तो कल जो वीडियो आप लोगों ने देखा था उस वीडियो में ये मछली का साइज और कलर कितना ग्रो हो चुका है ब्रायन सिनेम खा के वो आप लोग आराम से देख पाओगे। तो कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा जाके एक बार देख लेना। ये वाला जो वीडियो फुटेज देख रहे हो ये 40 दिन से लेके 40 दिन के आसपास, ठीक है, 35 to 40 डेज पहले का वीडियो क्लिप है, और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो एकदम रिसेंट वीडियो है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर चिली मोजाइक का मेल फीमेल है, चिली मोजाइक का मेल फीमेल उस टाइम पे बहुत सारा मैंने एक साथ छोड़ दिया था, 22 मेल और 9 फीमेल था। और अभी तो मैंने उन लोगों से फीमेल जो है वो 10 कर दिया है, 8 मेल 9 फीमेल कर दिया है, बाकी सब मेल को मैंने सेपरेट रखा है क्योंकि फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जा रहा था। यहाँ पे योलो टक्सीडो का तो अपडेट आप लोगों को दिया ही हूँ कल, योलो टक्सीडो का काम खत्म हो गया है, मतलब वो लोग ब्रीडिंग में बच्चा देगा भी या फिर नहीं कोई गारंटी नहीं है। अभी फिलहाल दोस्तों घर के अंदर का जो प्लाकेट नीमो कैंडी का अपडेट है वो आप लोगों को थोड़ा सा दे देता हूँ। यहाँ पे प्लाकेट नीमो कैंडी का उम्र उन लोगों से करीब करीब 4-5 दिन कम होगा, ठीक है, मतलब जब मैंने वो सब बच्चों को ब्रीडिंग करवाया था उनसे थोड़ा सा लेट में ये प्लाकेट कैंडी को मैंने ब्रीडिंग के लिए बैठाया था, तो समझो 4-5 दिन के गैप में ये सब पैदा हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन के गैप में इतना ब्रीडिंग करवाने का रीज़न एक ही है कि बच्चों को एक ही साथ बड़ा करूँगा, एक ही साथ जारिंग करूँगा, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे भी देखो कितना सारा ब्रायन सिनेम दिया है मैंने, सभी बच्चों का पेट फूला हुआ है, और ब्रायन सिनेम अगर ज़्यादा दे दोगे बच्चा पेट फूल के नहीं मरेगा, बेटा फिश को अंदाज़ा होता है कितना खाना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और मेरा बड़ा सा टैंक है जिसके कारण एमोनिया ज़्यादा नहीं होगा, तो मछली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ अल्बिनो फुलटेड गप्पी का फ्राई है जिसको मैं बड़ा जगह पर शिफ्ट करने वाला हूँ, अभी लकड़ी का जो धूल है उसके ऊपर गिरा है, और मैं तो लकड़ी का धूल हटा दूंगा मगर आप लोग तो लकड़ी का धूल ही मछली को खिलाते हो, जो पैलेट फूड आप लोग खिलाते हो ना हाई प्रोटीन वाला, जो भी हो भाई जो पैलेट फूड भी खिलाते हो सभी में लकड़ी का धूल यूज़ होता है। मैं लकड़ी का धूल टैंक से फेंक रहा हूँ, आप लोग लकड़ी का धूल टैंक पर ऐड कर रहे हो, आपका मछली कम जीता है कलरेशन ख़राब आता है, मेरा मछली ज़्यादा दिन जिंदा रहता है कलरेशन बढ़िया आता है। दोनों में डिफरेंट बस यही है कि लकड़ी का धूल आप लोग जानबूझ के ऐड करते हो, मैं लकड़ी का धूल हटाता हूँ। अभी दोस्तों 24 कैरेट गोल्ड कप पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक मज़ेदार चीज़, आप लोग यहाँ पर देखो ये जो वीडियो क्लिप है ये तो भाई 40 दिन या फिर 35 डेज़ के आसपास पुराना है। कल के वीडियो पे आप लोग देखे थे कितना बड़ा बड़ा टेल इन लोगों का आ गया है, और कलरेशन एकदम पूरा येलो इज पूरा ग्लोइंग येलो कलर का आ गया है, मतलब जिसको गोल्डन कलर आप लोग बोलते हो, तो वो कलरेशन और ये कलरेशन के ऊपर डिफरेंस देखो भाई। इन लोगों के शरीर में थोड़ा सा ब्लैकिश स्पॉट रहता है, एक महीना पहले वो था, अभी ये सब ब्लैकिश जो स्पॉट है ये सब पूरा एकदम रिमूव हो गया है, मतलब पूरा हट चुका है, मछली का कलर एकदम ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। और जो ब्लैक कलर का आप लोग बच्चा देख रहे हो वो 24 कैरेट गोल्ड गप्पी का नहीं है, वो रेटेल प्लैटिनम डम्बवेयर का है। मेरे पास कुछ रेटेल प्लैटिनम डम्बवेयर आते आते बच्चा दिया था तो वो साइज में बड़ा हो गया था। रिसेंट जो फ्राई मिला है उसके साथ तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, वो खा जाएगा, इसीलिए मैंने इसके साथ छोड़ दिया है। क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगा, ब्रीडिंग से पहले ही मैं इन लोगों को अलग कर दूंगा। तो अभी जो वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो 1 मई मतलब आज का ही वीडियो क्लिप है। तो आज दोस्तों मछली का साइज़ कितना हुआ है देखो, ये सुबह 10:30 बजे के टाइम का वीडियो क्लिप है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को मैं ये जो टैंक हाथ में है इसी में पानी उठा के मछली उठा के सब कुछ दिखाऊंगा, मछली का कलरेशन कैसा आ रहा है, बॉडी शेप कैसा आया है, कोई भी मछली का पीठ टेढ़ा हुआ पैदा हुआ है या फिर नहीं, या फिर मछली का आँख सब ठीक ठाक है या नहीं, वो सब कुछ आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा। तो चलो भाई एक जगह से मैं देखो जहाँ से भी नेट मारूंगा वहीं से दोस्तों मेरे को फ्राई मिल जाएगा। ये देखो ये फ्राई मिल गया, मतलब चारों तरफ जो टैंक है बच्चों से भरा हुआ है। अभी तो धूप गिरा है टैंक पे, मैंने ऊपर से जो पॉलीथीन है वो हटा दिया है तिरपाल को, तो इसी के कारण मछलियाँ जो है वो छाव की तरफ अंधेरे के तरफ भाग गया है, उसको डर लग गया है, और धूप भी गर्म है तो इसके लिए वो ठंडी जगह पे जाना चाहता है, तो इसीलिए आप लोगों को दिखेगा नहीं, वरना टैंक पूरा भरा है बच्चों से। आगे आप लोगों को दिखाऊंगा नॉर्मल टाइम पे कितना सारा बच्चा टैंक पे रहता है, तो आप लोगों को समझ में आएगा सिर्फ इसी टैंक पे करीब करीब 1200 से लेकर 1500 के आसपास यहाँ पे फ्राई हो जाएगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा हो सकता है, मैंने काउंटिंग तो किया नहीं है भाई, काउंटिंग मैं कभी करता नहीं हूँ, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही होगा यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ फ्राई में आप लोगों को उठा उठा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ प्लाकेट रेड ड्रैगन प्लाकेट रेड ड्रैगन ओ एच एम ब्लू जो ब्लू बटरफ्लाई ओ एच एम उसका फ्राई है, नीमो कैंडी का फ्राई है, नीमो कैंडी ओ एच एम का सुपर रेड ओ एच एम का फ्राई है, और एक मैंने ब्लू रिम प्लाकेट के साथ सुपर रेड ओ एच एम का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया था उसका भी फ्राई है। तो ये सब फ्राई है, और क्या था है ब्लैक रिम का एक फ्राई था, मतलब ब्लैक रिम मेल के साथ ब्लैक समुराई फीमेल का फ्राई था, तो वो सब यहाँ पर है। अभी आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ उठा उठा के कौन सा वाला किसका फ्राई है, और आगे जाके इन लोगों का कलरेशन कैसा आने वाला है। मैं रैंडमली मछलियाँ उठा रहा हूँ, ये देखो
ये जो मछली है दोस्तों आगे जाके ये पूरा ब्लूइश कलर में आ जाएगा। छोटे उम्र में जो सुपर रेड मछली है या फिर रॉयल ब्लू या फिर डार्क कलर का कोई भी मछली है ग्रीन कलर का, वो सब ब्लैकिश कलर का होता है। जब धीरे धीरे साइज़ बढ़ता रहता है धीरे धीरे उन लोगों का कलरेशन भी चेंज होता रहता है। और मैक्सिमम जो सुपर रेड फाइटर मतलब सुपर रेड बेटा फिश होता है वो तो छोटे उम्र में ब्लैक कलर का ही दिखता है। धीरे धीरे उन लोगों का ब्लैक कलर हटके धीरे धीरे जो रॉयल रेड बोल रहा हूँ ब्लू रॉयल ब्लू या फिर रेड वो सब कलरेशन आता रहता है। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो कितना सारा फ्राई है। आप लोग दोस्तों इतने छोटे उम्र में फालतू में हाथ देके मछली को उठाना मत, ठीक है। अभी ये जो उम्र है कुछ दिक्कत तो नहीं आएगा हाथ से उठाने में, मगर अगर आप लोगों के उंगली के बीच में फंस गया कोई भी मछली तो उसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। समझो उसका हड्डी में कोई क्रैक आ गया या फिर उसके कभी मतलब शरीर में किसी भी तरीके का दिक्कत आ गया तो उसको ठीक करने में उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी चला जाएगा और उसके लिए उसका ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। तो मछली को ज़्यादा हाथ वगैरह मत लगाओ छोटे मछलियों में। मैं तो जस्ट वीडियो शूट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया, इतना सारा फ्राई है मैं तो एक टैंक पे बहुत सारा फ्राई उठा के दिखा सकता था। वीडियो में खूबसूरत दिखता, बहुत बढ़िया दिखता वो, फिर भी मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मछली का सेफ्टी पहले चाहिए। मछली बेच के ही मैं पैसा कमाऊँगा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके मेरे को घंटा पैसा नहीं आता है, ठीक है। मोनेटाइजेशन तो मेरा चैनल का ऑफ किया हुआ है मैंने, आप लोग जानते हो जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर व्यूअर्स हो। अभी जो मैंने मछली उठाया दोस्तों वो मछली रेड ड्रैगन प्लाकेट का है। अभी रेड ड्रैगन प्लाकेट और रेड ड्रैगन ओईचएम दोनों में डिफरेंस दोस्तों इसी उम्र से पता चल जाता है। जो रेड ड्रैगन प्लाकेट है उसका बॉडी का जो कलर है वो पूरा पेपर जैसा कागज़ जैसा वाइट होता है, और जो रेड ड्रैगन ओईचएम है उसका बॉडी का वाइट कलर उतना ज़्यादा नहीं होता है। उसका बॉडी का वाइट कलर वैक्स जैसा होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं मोमबत्ती होता है ना उसके जैसा। यहाँ पर देखो एक जो प्लाकेट आप लोगों को दिख रहा है मतलब एक जो फ्राई दिख रहा है वो प्लाकेट का है, क्योंकि उसका जो बॉडी का कलर है पूरा एकदम वाइट है, शाइनी वाइट कलर का। और जो आप लोगों को थोड़ा सा सैलो वाइट दिख रहा है वो सब ओईचएम का है। ओईचएम का कलर थोड़ा सा लेट आएगा मगर पूरा कलर आएगा, और जो प्लाकेट है उसका कलर पहले से ही आ जाता है। और प्लाकेट का कलर तो आप लोग जानते ही हो दूसरा मछली से बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। और इधर से देखो मैं थोड़ा सा पानी हिला रहा था तो कितना सारा फ्राई अंधेरे से निकल रहा है, ये देखो एक एक बार में उठाऊंगा तो कितना सारा फ्राई आ रहा है। मगर इस तरीके से आप लोग कभी भी मत पकड़ना, ठीक है। मैं तो जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना सारा फ्राई है, इसलिए मेरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत ही सावधानी से कर रहा हूँ, कोई भी मछली में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा। मेरे पास तो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग भाई 12 दिन भी हुआ नहीं है शायद बीडिंग किए हो, उसी उम्र में अगर आप लोगों ने मछली को छेड़ दिया इस तरीके से पकड़ लिया हाथ में तो मछली मर जाएगा। इसी टाइम पर दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो मछली आप लोग देख रहे हो ना इसी मछली को पहली बार उठाया गया है पूरा ज़िंदगी में। मतलब अभी तो इन लोगों का उम्र 45 डेज या फिर 50 डेज के आसपास है, अभी तक मैंने इन लोगों को हाथ भी नहीं लगाया था, सिर्फ ऊपर से मैंने खाना दिया था, किसी भी तरीके का वाटर चेंज पानी में ज़्यादा पानी ऊपर से डालना कुछ भी नहीं। इतना बड़ा जगह में है तो अमोनिया का कुछ भी चाप वाप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मछली को खाना दिया था मैंने डेली और कुछ नहीं किया था। एक भी मछली को मैंने हाथ में उठाया नहीं, पानी कम से कम हिले वही मैंने कोशिश किया है। और ये देखो दोस्तों ब्लैक सामुराई का जो फ्राई है वो है, ब्लैक सामुराई का फ्राई अभी ब्लैक ही दिखेगा, उसके ऊपर जो वाइट का स्पॉटिंग है वो धीरे धीरे आएगा, इसमें से ब्लैक मांबा भी निकल जाएगा। जो लोग ब्लैक मांबा बोल के सेल करता है मतलब ब्लैक सामुराई का छाट होता है एक्चुअली ब्लैक मांबा। जो सब मछलियों में जो वाइट कलर का डॉट डॉट ज़्यादा आता नहीं है उसको ब्लैक मांबा बोल के सेल किया जाता है। अब यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है, ब्लैक सामुराई से ज़्यादा ब्लैक मांबा सेल होता है, मतलब महंगा सेल होता है, मगर ब्लैक सामुराई का छाट होता है वो ब्लैक मांबा। मतलब क्या ज़माना आ गया है भाई, छाट मछली को ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा देके खरीदना चाहता है। चलो भाई देखते हैं मेरा बीडिंग से कितना छाट बोल रहा हूँ कितना ब्लैक मांबा निकलता है, ठीक है। देखते हैं भाई आगे जाके, मैं तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा छाट निकले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मांबा निकले। फिलहाल यहाँ पर देखो कितना सारा मिल्की वाइट भी बच्चा निकला है। जो मिल्की वाइट है वो सब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वो सब ब्लू रिम का बच्चा है। हाँ दोस्तों ब्लू रिम का बच्चा छोटी उम्र में मिल्की वाइट कलर का होता है, उसका जो ब्लू कलर का रिंग है वो बड़ा होने के बाद 3-4 महीने के उम्र के बाद आता है। उसके बाद ब्लू रिम का जो रिंग है ब्लू कलर का वो होगा या फिर नहीं होगा परमानेंट कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2 महीने के बाद वो मछली धीरे धीरे पूरा मछली ही ब्लू कलर का हो जाए, या फिर 2-3 महीने के बाद उसका बॉडी में ब्लू कलर का स्पॉट आ जाए, या फिर वो मछली का ब्लू कलर का जो रिंग है वो पूरा हट के मछली पूरा प्लैटिनम वाइट कलर का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्लू रिम जो भी खरीदते हो जहाँ से भी खरीदते हो समझ लेना वो ब्लू रिम एक्चुअली चेंज होगा ही होगा कलर, ठीक है। ब्लू रिम चेंज कलर कर मतलब ब्लू रिम कभी भी स्टेबल नहीं होता है।
और यहाँ पर दोस्तों सब नीमो कैंडी है। नीमो कैंडी का फ्राई तो अभी छोटा है, क्योंकि नीमो कैंडी आप लोगों को बोला था कि उनका उम्र यहाँ से कुछ थोड़ा सा कम है, और नीमो कैंडी थोड़ा सा ग्रो स्लो होता है, क्योंकि नीमो कैंडी प्लाकेट जो है वो प्लाकेट का बॉडी शेप ही आप लोग जानते हो, छोटा साइज़ का बॉडी शेप है। और ये सब नीमो कैंडी जो है दोस्तों, इन लोगों का कलरेशन अभी भी थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका है। आप लोगों को एक दो अगर दिखाऊंगा उठा के तो पता चलेगा, ब्लू बेस का जो नीमो कैंडी है वो सबसे पहले कलरेशन आना स्टार्ट हो गया है। और एक बात मैंने आप लोगों को बोला था ब्रीडिंग के टाइम पे, पता है कि ये सब मछली में से कोई भी छाट नहीं निकलेगा, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का मछली नहीं निकलेगा। अभी आप लोग देखो दोस्तों, कोई भी व्हाइट कलर का मछली है ही नहीं, सभी मछली आप लोगों को ब्लैक कलर का दिखेगा। ब्लैक कलर का इसीलिए आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि ये सब मछलियाँ सिर्फ और सिर्फ बड़ा होने के बाद ही कलरेशन आएगा। रेड बेस, येलो बेस, जो वाइट बेस है वो भी ब्लैक कलर का है, क्योंकि वो आगे जाके ही उसके ऊपर वाइट का कलरेशन आना स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे जो मेरे हाथ में ग्लास देख रहे हो, इसमें ब्रायन श्रिम्प है। यह ब्रायन श्रिम्प में FCCP का जो फ्राई है, योलो FCCP का फ्राई, उसको फीडिंग कर रहा हूँ। योलो FCCP का फ्राई को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो योलो FCCP का जब बीडिंग का वीडियो अपलोड करूँगा उसी टाइम पे आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरीके से मैंने फ्राई को रिलीज़ किया, बीडिंग का प्रोसेस क्या था, योलो FCCP का कितना अंडा दिया है, वो सब उसी वीडियो में दिखा दूंगा। थोड़ा सा भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया कितना फ्राई मेरे को, मतलब फ्राई तो अभी आप लोगों को दिखेगा भी नहीं, ऊपर से रिफ्लेक्शन आ रहा है। बाकी दोस्तों जो नीमो कैंडी OHM का फ्राई है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी अच्छा खासा साइज़ में आ गया है। मगर हाँ, बेटा फिश का फ्राई बहुत स्लो ग्रोथ होता है, सबसे स्लो ग्रोथ साइज से बेटा फिश का फ्राई का ही होता है, मतलब सबसे छोटा तो फ्राई बेटा फिश का ही होता है। जो टाइगर बार्ब हो गया या फिर जो ज़ेब्रा फिश हो गया, गोल्ड फिश हो गया, गोल्ड फिश का बच्चा तो बहुत बड़ा साइज़ का पैदा होता है। बेटा फिश का फ्राई समझो डेढ़ महीने का जितना साइज़ का होता है, गोल्डफिश का फ्राई तो भाई दो तीन दिन का भी उतना बड़ा हो जाता है। गप्पी का एक हफ्ते का फ्राई जितना होता है, बेटा फिश का 20 दिन का फ्राई उतना साइज़ का होता है। तो बेटा फिश का फ्राई को ग्रो करना सबसे मुश्किल है। आप लोग तो भाई बीडिंग करवा के बच्चा बहुत सारा निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल अच्छा होगा तो बीडिंग करके अच्छा खासा बच्चा निकल जाएगा। बच्चा बड़ा करने में ही मेन दिक्कत आता है, ठीक है? तो मैंने वो दिक्कत का सलूशन आप लोगों को पूरा दे दिया है। और हाँ, मेरे पॉडकास्ट वाले चैनल पे नेक्स्ट जो पॉडकास्ट वीडियो आने वाला है 1 घंटा लंबा, वो आप लोगों को पूरा बताऊंगा किस तरीके से आप लोग बच्चा एक भी ना मरे आप लोग किस तरीके से वो कर पाओगे, मतलब किस तरीके से बेटा फिश का फ्राई 95% आप लोग बड़ा कर पाओगे उसके ऊपर, ठीक है? पहला वीडियो तो वो आएगा बेटा फिश का 95% फ्राई किस तरीके से बड़ा करे। सेकेंड वीडियो आएगा बेटा फिश का जेंडर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, बेटा फिश का जो फ्राई निकलेगा ज़्यादा मेल ज़्यादा फीमेल किस तरीके से निकाला जाए। बाकी ये वाला जो वीडियो क्लिप देख रहे हो ये कल आप लोगों को वीडियो में आएगा, कल इसी मतलब कल वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा येलो FCCP और रेड FCCP, जिसको हेलवाई वगैरह भी बोला जाता है। भाई पता नहीं फैंसी फैंसी नाम दे के रखा है लोग पैसे लपेटने के लिए, भाई क्या कुछ नाम नहीं देता है। तो ये मछलियों का ब्रीडिंग किया है मैंने, बच्चा मेरे को मिल भी गया है, सक्सेसफुली ब्रीडिंग हो गया है। तो इन लोगों का ब्रीडिंग का वीडियो आएगा, प्लस जो वाइल्ड बेटा मैंने ब्रीडिंग करवाया है उसका भी ब्रीडिंग मैं शायद से इसी के साथ अटैच कर दूंगा। तो टोटल तीनों का ब्रीडिंग का वीडियो आप लोगों को मैं एक साथ डाल दूंगा। तो वो वाला वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये देखो वाइल्ड का मैं शायद से फीमेल छोड़ रहा हूँ अभी, हाँ फीमेल मैंने छोड़ दिया, अभी मेल भी है यहाँ पे ही। और वाइल्ड का ब्रीडिंग का टेक्निक थोड़ा सा अलग मेरे को लगा, मतलब वाइल्ड ना बहुत दिनों तक एक साथ रहता है, मेल फीमेल एक दूसरे के साथ कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं किया है, मगर फिर भी एक साथ रहने के बाद एक हफ्ते के बाद उन्होंने अंडा दिया। चलो भाई, वाइल्ड के ब्रीडिंग के वीडियो में ही आप लोगों को इन डिटेल समझा दूंगा क्या कुछ प्रोसेस है वाइल्ड बेटा ब्रीडिंग करने का। और हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि वाइल्ड बेटा का सेलिंग कब स्टार्ट होगा, मतलब जो रीपैकिंग का सीन है, डिस्पैच का सीन है। तो भाई गर्मी कम होने दो, गर्मी कब कम होगा मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है? हो सकता है अभी 10 दिन लगे, हो सकता है कि 20 दिन लग जाए। जो लोग 2-3 लोगों का भी ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब भेजा नहीं है मैंने, तो उन लोगों का भी पेंडिंग ऑर्डर जो है वो मैं गर्मी ख़त्म होने के बाद भेजूंगा। बारिश थोड़ा सा होने दो, ऐसा नहीं है कि पूरा सर्दी आएगा फिर भेजूंगा, थोड़ा सा ठंडा मौसम आ जाएगा तो ही मैं भेज दूंगा। अगर आप लोगों को रिफ़ंड चाहिए, ऐसा चाहिए कि भाई मछली नहीं चाहिए अभी देर हो जा रहा है, तो भी रिफ़ंड मैं कर दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का मछली डैमेज भी हुआ था पार्सल में, तो वो सब लोगों को रिप्लेस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत मत लो भाई। आप लोग जानते हो जो बोलता हूँ वही कर देता हूँ। अभी इस वीडियो में तो इतना ही था। इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना, थंबनेल पे कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फिलहाल। और बाकी इस वीडियो में तो पूरा इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, उम्मीद करता हूँ, तो ये वहाँ पे जो 2 वीडियो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये दोनों वीडियो भी इसी वीडियो की तरह आप लोगों को पसंद आएगा, तो ये 2 वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, नॉलेजफुल वीडियो है। तो आप दोनों से वही आपसे वही दोनों वीडियो पे मुलाकात होगा, मिलते हैं वही वीडियो पे। बाय बाय।